हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 16 की जो सेक्शन है, चैप्टर 16 की जो सेक्शन है वो 300 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले आईपीसी की 300 तक हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन। आज हम 301 से लेकर 304 बी दहेज मृत्यु डोरी डेथ तक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 301 एक नियम है, एक रूल है, एक नियम है। बेसिकली क्या नियम है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने के लिए जाता है, ए बी का वध करने के लिए जाता है, लेकिन बी की जगह वध किसका हो जाता है, सी का हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है जैसे ए ने बी पर गोली चलाई लेकिन बी को ना लगकर सी को लग गई, तो ये नियम बताता है कि वैसे ही इसको अपराधी माना जाएगा। किस तरह से? जैसे कि बी की ही हत्या हुई है, बी का ही वध हुआ है, बी का ही आपराधिक माना वध हुआ है। वो कैसे देखा जाएगा कि यदि यह बी की आपराधिक माना वध कल्पेबल होमिसाइड करता है तो, और इसमें सी की मृत्यु हो जाती है, बी बच जाता है, सी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कंडीशन क्या है, कल्पेबल होमिसाइड की है, तो यहां ए किसका अपराधी होगा, कल्पेबल होमिसाइड का होगा। किसके तहत सजा मिलेगी? 304 के तहत सजा इसको मिलेगी, ठीक है, 302 के तहत नहीं मिलेगी। लेकिन यदि ए बी के मर्डर का दोषी है, मर्डर करने का है, कंडीशन कैसी है, फैक्ट कैसे हैं मर्डर के हैं, तो यहां लग जाती है सी को। जैसे ए ने बी पर गोली चलाई लेकिन लग किसको गई, सी को लग गई, तो यहां क्या मर्डर हुआ, तो ए अपराधी किसका होगा, मर्डर का होगा, बेशक बी की जगह सी का मर्डर हुआ हो। तो एक नियम है कि जिसको मारने के लिए गया उसकी जगह यदि कोई दूसरा व्यक्ति मर गया है तो वो ही अपराध माना जाएगा, ठीक है। आपराधिक मानव वध की श्रेणी में है तो आपराधिक मानव वध, और हत्या की श्रेणी में है तो हत्या ही माना जाएगा। लेकिन ये जो है 301 जो है, इसमें जो कार्य वह करता है, जो कार्य वह व्यक्ति करता है, उसकी संभावना और आशय उसका होना चाहिए हत्या करने का या आपराधिक मानव वध करने का, और संभावना उसे ज्ञात हो कि इस कार्य से यह आदमी मर जाएगा, ठीक है। इसको ये जो नियम है वो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, किस चीज का, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस हिंदी में कहते हैं अंतरित विद्वेष का, अंतरित विद्वेष का सिद्धांत। तो क्वेश्चन आता है कि अंतरित विद्वेष का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस कहां है, कौन सी सेक्शन में है, 301 सेक्शन में है आईपीसी की। आईपीसी की कौन सी सेक्शन में है, 301 सेक्शन में है। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव, हेतु के स्वास का सिद्धांत, हेतु के हिंदी में कहते हैं स्वास का सिद्धांत। तो 301 जो सेक्शन में है वो दोनों सिद्धांत है, या तो हेतु के स्वास का सिद्धांत, अंतरित विद्वेष का सिद्धांत, यानी कि ट्रांसफर हो जाना विद्वेष को, भाई मारने का बी को, मर गया कौन, सी मर गया, तो इस तरह ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट इस तरह बनते हैं कि डॉक्टरेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ
मॉलिस और डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव का सिद्धांत किस में है, कौन सी सेक्शन में है, सेक्शन 301 में है। ठीक है, उदाहरण आपने समझ लिया, ए ने बी पर गोली चलाई लेकिन बी बच गया, किसी भी कारण से बच गया, या वो आगे से हट गया और गोली किसको लग गई, सी को लग गई, तो यहाँ ए वैसे ही अपराधी होगा जो फैक्ट्स है, आपराधिक मानववध के फैक्ट्स हैं तो आपराधिक मानववध का दोषी होगा, और यदि मर्डर के फैक्ट है तो मर्डर का दोषी होगा। ये सेक्शन 301 कहता है। सेक्शन 302 पर चलते हैं। सेक्शन 302 वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। 302 में क्या है, पनिशमेंट है किसकी, हत्या की, मर्डर की पनिशमेंट है। ठीक है, क्या दिया जा सकता है उसको, मृत्युदंड दिया जा सकता है जो जिसने हत्या की है, या उसको आजीवन कारावास दी जा सकती है, आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ। ठीक है, या तो फांसी दी जा सकती है, मृत्युदंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना है। 302 में हत्या का जो अपराधी होगा उसको सजा है। 303 देखो, 303 जो है ये कहती है कि यदि कोई कन्विक्ट हुआ है आजीवन कारावास के लिए, किसी को कोर्ट ने सजा क्या दे दी, आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास की सजा देने के बाद, यानी आजीवन कारावास का सिद्ध दोषी कन्विक्ट है आजीवन कारावास के लिए, यदि वो किसी की हत्या करता है, यदि वह किसी की हत्या करता है, हत्या करता है, तो उसको क्या सजा दी जाएगी, मृत्यु दंड उसको दिया जाएगा। ये कहता है 303। लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब स्टेट में, मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सेक्शन अवैध है, ये सेक्शन अवैध है। ठीक है, आजीवन कारावास की यदि किसी को सजा और वो हत्या कर देता है तो उसको सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट में ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये सेक्शन अवैध है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि किस अपराध की सजा मृत्युदंड होगी, और उनमें से एक ऑप्शन ये है, कहीं चार ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ऑप्शन, कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा है कि इसकी सजा मौत होगी, मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन ये कहीं ऑप्शन में है कि आजीवन कारावास के सिद्ध दोष द्वारा हत्या किसी की कर देना, तो वो आपका आंसर होगा अब भी। ठीक है, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिट्ठू सिंह वर्सेज पंजाब राज्य में कि ये सेक्शन अवैध है। ठीक है, तो अब सेक्शन चलते हैं 304 पर। सेक्शन 304 के कई पार्ट है। 304 सबसे पहले क्या करती है, जो कल्पेबल होमिसाइड है उसकी सजा बताती है। 304 सेक्शन, क्या सजा होगी, यदि दो सजा है, इंटेंशन है तो आजीवन कारावास की सजा, अगर इंटेंशन से आपराधिक मानववध हुआ है तो आजीवन कारावास की सजा होगी, या 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और प्लस जुर्माना होगा। ठीक है, और यदि इंटेंशन नहीं है, आशय नहीं है, ठीक है, तो सजा कितनी होगी, 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना, और या ये दोनों दिए जा सकते हैं। 304 में ये है। फिर आई 304 ए। अब 304 ए क्या है कि उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक यदि किसी की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जैसे हमने सेक्शन पढ़ी थी 279
284, 285, 286, 287, 289, ये हमने सेक्शन पढ़ी थी ना कि किसी के घर के गिरने, इस तरह की सेक्शन है, विषैला पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ, या किसी कोई मकान की मरम्मत कर रहा है उसका सही इंतजाम नहीं करता है वो, या कोई अपने पालतू पशु से जो है इंतजाम नहीं करता है जितना उसे करना चाहिए उसका, तो इस तरह की सेक्शन है। और 279 क्या है, और 280 भी है, 279 है कि उतावलेपन से या उपेक्षा पूर्वक कोई अपनी गाड़ी चलाएगा। तो इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं कि जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कोई कार तेजी से चलाता है और उनका एक्सीडेंट होता है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो कौन सी सेक्शन उसमें लगती है यदि मर जाता है? तो 279 तो लगाते ही है क्योंकि उतावलेपन से या उपेक्षा पूर्वक उसने गाड़ी चलाई है। और उसके साथ कौन सी लगाएंगे? 304 ए लगाएंगे क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। तो उतावलेपन या उपेक्षा से यदि किसी की मृत्यु कोई करता है तो कितनी सजा है? 2 साल की सजा प्लस या जुर्माना या दोनों, ये इसमें सजा है 304 ए में। 304 ए यही है कि उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से कोई यदि मृत्यु करता है, जैसे कोई घर की मरम्मत कर रहा है लेकिन जो उसे करनी चाहिए, कोई लेंटर जैसे तोड़ रहा है या घर तोड़ रहा है, अगर वो किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? उसको ऐसी कुछ सुविधा करनी चाहिए जिससे वो किसी व्यक्ति को हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है। लेकिन वहां यदि कोई व्यक्ति मर गया तो कौन सी सेक्शन लगाएंगे? 304 ए उसमें लगेगी, ठीक है। अब 304 बी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 304 बी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 304 बी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी को जानना भी जरूरी है। 304 बी ये सेक्शन जोड़ी गई थी 1986 में सेक्शन जोड़ी गई थी दहेज मृत्यु के बारे में, डोरी डेथ। सबसे पहली चीज हम इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दहेज किसे कहेंगे, दहेज किसे कहेंगे। तो दहेज एक डोरी प्रोहिबिटेड एक्ट बना था 1961, उसमें जो सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशन दी गई है दहेज की, दहेज किसे कहा जाएगा। दहेज इसके अनुसार उसे कहा जाएगा कि यदि कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल चीज, ठीक है, वैल्यूएबल कोई चीज है, उसको देगा या उसके देने का वादा करेगा, कोई भी पार्टी हो सकती है, वधु पक्ष भी हो सकता है, वर पक्ष भी हो सकता है। हमें नॉर्मली क्या पता है कि लड़की के तरफ वाले लड़के के तरफ वाले को देते हैं, लेकिन नहीं, यदि कोई लड़के के तरफ वाले लड़की को भी कोई इस तरह की चीजें देती है या कोई मांग करता है तो उसे भी डोरी माना जाएगा, दहेज माना जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पार्टी हो, लड़की की हो या लड़के की हो, उनके द्वारा कोई वादा किया गया हो किसी प्रॉपर्टी का या कोई वैल्यूएबल चीज का, ठीक है, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का कोई वादा किया गया हो, तो उस तरह की चीजें इसमें आएगी दहेज में। ये सेक्शन 2 में दिया गया है डीपी एक्ट 1961 की। अब देखते हैं सेक्शन क्या कहती है। सेक्शन के 2 पार्ट है, 304 बी का फर्स्ट और 304 बी का सेकंड। 304 बी का फर्स्ट कहता है कि यदि कोई महिला, ठीक है, तो दहेज किसको कहा गया था? नर पक्ष उसको देता है या वो उसको, कोई सा भी पक्ष किसी को देता है, लेकिन यहां क्या कहा गया है इस सेक्शन में, स्त्री की बात हुई है, यानी आदमी की बात नहीं है, मेल की बात नहीं है, केवल फीमेल की बात है इसमें यहां, ठीक है। तो दहेज तो हम समझ गए, दहेज कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन यहां ये सेक्शन किसकी है? लेडीज के लिए है, स्त्री के लिए है। तो दाह किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं ना दाह संस्कार, यानी कि संस्कार ऐसा जो जला कर किया गया हो, दाह के द्वारा गया, दाह का मतलब है यहाँ जलाने से, ठीक है। कोई जो स्त्री है वो दाह से यानी जलाकर
या कोई शारीरिक क्षति, या कोई शारीरिक क्षति से, दूसरी चीज, पहली चीज दाह के द्वारा या कोई शारीरिक क्षति से, और तीसरी चीज क्या है, 7 वर्ष के अंदर, विवाह के 7 वर्ष के अंदर, शादी के 7 वर्ष के अंदर, असामान्य परिस्थिति में, यानी नॉर्मल परिस्थिति नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, असामान्य कोई उसकी सामान्य परिस्थिति नहीं है, असामान्य परिस्थिति है, उसमें उसकी मृत्यु हुई हो, ठीक है। और ये तो चीज हुई है, लेकिन प्लस इसमें क्या है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है कि उसके पति के द्वारा या पति के किसी भी रिश्तेदार के द्वारा पूर्व में ऐसी कोई चीज देखी गई हो जिससे दहेज उन्होंने मांग की हो, उसके द्वारा प्रताड़ित किया गया हो दहेज लेने के लिए, तब ये सेक्शन लगेगी, यदि दहेज के लिए ये चीजें होती है तो, ठीक है। इनके साथ क्या होना चाहिए, दहेज का भी मामला होना चाहिए, यानी पहले कुछ ऐसी मांग की गई हो या दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया हो, उस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये सेक्शन ये बताती है कि यदि किसी स्त्री को इस तरह से मृत्यु हुई हो और पहले क्या किया गया हो पति के या पति के किसी नातेदार के द्वारा, उससे दहेज मांगा गया हो, तो दहेज मृत्यु मानी जाएगी। और सजा क्या मिलेगी, सजा मिलेगी कम से कम 7 वर्ष और 2 आजीवन कारावास, ठीक है। देखता हूं मैं इसमें आया है क्या, ही नहीं इतना तो खैर आएगा, 7 वर्ष या आजीवन कारावास, या नहीं 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, ये बहुत बड़ी सजा है अपने आप में। क्योंकि जब हमने 304 यानी आपराधिक मानव वध की भी सेक्शन पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, इंटेंशन के साथ आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा, यानी 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक अगर कोई आपराधिक मानव वध करता है तो जज साहब क्या सजा दे सकते हैं, आजीवन कारावास दे सकते हैं पहली चीज, लेकिन यदि आजीवन कारावास नहीं देते तो 10 वर्ष तक की ही सजा दे सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि 11 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष तक की सजा दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहां क्या है, कम से कम 7 वर्ष कर दी दहेज मृत्यु के लिए, और कहां तक, आजीवन कारावास तक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसको 11 साल की भी, 12 साल की भी, 15 साल की भी, 20 साल की भी, या जितना चाहे वो सजा दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से, मुझे लगता है उससे भी कठोर ये सजा है दहेज मृत्यु की, ठीक है। तो ये थी हमारी दहेज मृत्यु के बारे में। ठीक है, आगे कि सेक्शन जो है हम अगले वीडियो में लेंगे, ठीक। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।